डिस्कशन का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट में आपको मैंने कराया कि प्राइस कंजप्शन कर, और इनकम इफेक्ट में कराया कि इनकम कंजप्शन कर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर प्राइस और इनकम दोनों को आपके समझ आ गया है तो तीसरा जो इफेक्ट होता है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्लियर रहेगा तो आप प्राइस इफेक्ट को टू पार्ट्स में हमें आगे चल के डिवाइड करना है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर इसी के बेस पे हमें डिवाइड करना है कि ये गुड्स इन्फीरियर है या नॉर्मल है या गिफन गुड्स है। तो बहुत ध्यान से समझना क्लास, और यार एक एक बातें मेरी जो समझा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा मटेरियल्स तो है लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाने में शायद कई बार वो सफिशेंट मटेरियल होते हुए भी आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसका वे अलग होता है। तो हम स्टार्ट करें और आपको मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, बस आपको डेडिकेशन चाहिए यार, बीच में स्किप मत करना और आप बने रहना क्लास। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। सब्स्टिट्यूट इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका प्राइस चेंज होगा, मैंने आपको बताया था आपकी जब प्राइस चेंज होगी, किसी गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी तो जाहिर से कि आप उस गुड्स को ज़्यादा परचेज करेंगे, ठीक, लेकिन दूसरी गुड्स को आप कम कर देंगे क्योंकि आपके पास एक सफिशेंट गिवन अमाउंट है। लेकिन प्राइस के चेंज होने से आप दूसरे बजट लाइन पर जाकर के इक्विलिब्रियम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइस इफेक्ट हो जाएगा। तो प्राइस के चेंज होने पर हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे निकालना है ये हमें आपको सिखाना है। आपको इनकम इफेक्ट पता है, आपको ध्यान समझना क्लास। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि आप के सामने एक लाइन बजट लाइन ये होती है, जब आप इस बजट लाइन से आप दूसरी बजट लाइन पर चले जाते हैं तो यह तो आपका इनकम इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप एक ही बजट लाइन पर रहते हैं और आपकी बजट लाइन चेंज हो जाती है तो इस पॉइंट से इस बजट लाइन पर चले जाते थे तो ये क्या होता था, आपका प्राइस इफेक्ट। सो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, ये भी 100 रुपीज ही की लाइन है, ये भी सेम, तो बजट लाइन का जो कॉस्ट है वो इनकम सेम रहती है लेकिन यहाँ पर इनकम चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हमें एक तीसरा इफेक्ट पढ़ाना है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं विद न्यूमेरिकल चलूँगा तो शायद मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँगा क्लास। तो चलिए आप लिख लीजिए, मैं कहता हूँ कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको टू गुड्स परचेज करना है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि आपके पास इनकम है 100 रुपीस, ओके, और आपको प्राइस एक्स दे दिया मैंने 10 रुपीस और प्राइस वाई दे दिया आपको 10 रुपीस। सीधा सीधा लेते एग्जाम्पल ताकि समझ में आया। अब अगर आपको क्लास इसका बजट लाइन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सो प्लीज़ पहले नोट कर लीजिए कि आप क्वांटिटी एक्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो एम अपान पी एक्स तो कितना निकलेगा क्लास, 100/10 इज इक्वल टू 10 रुपीस, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी 10। और दूसरे की निकालिए, क्वांटिटी वाई इज इक्वल टू एम अपान पी वाई इज इक्वल टू 100/10, इसका भी 10 क्वांटिटी आ गया। ये तो समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया तो मैं बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया क्लास, थोड़ा सा मैं इधर बनाऊँगा ताकि मुझे वहाँ लिखने का काम रहे। बोर्ड आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ओके। हमने बोला क्लास कि 10 10 ले सकता है, तो आपकी जो बजट लाइन है ये मान के चलो 10x 10y, इस क्लियर, और ये हमारी बजट लाइन हो गई, BL हमारी एक बजट लाइन हो गई, ठीक है। ये y गुड्स है, ये हमारा
ये एक्स गुड्स है। अब मैं बोलता हूँ कि हमें डिमांड फंक्शन तो दिया नहीं गया है कि मैं इक्विलिब्रियम निकालूं, तो मैं कहता हूँ कि मान के चलो सपोज दैट कंज्यूमर कोई भी गुड्स इसमें से कोई भी किसी पॉइंट पर ले सकता है, क्योंकि बजट लाइन में जहाँ पर फिट करता कोई ले सकता है। हम चलो मान लेते हैं ग्लास, इसको 10 और 5 मान लेते हैं, दोनों को सेम रेशियो कंपनी गुड मान लेते हैं। चलो दोनों को सेम रेशियो में परचेज कर रहा है अभी, या ऐसा करो सेम रेशियो नहीं करते हैं, इसको 6Y ले रहा है तो इसको ये कितना लेगा क्लास, 4X लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि देखो अगर 6Y ले रहा है तो क्वांटिटी 6 का मतलब हो गया है दक्षिण 60, मतलब 60 रुपये तो Y पे खर्चा करेगा, रेस्ट कितना बचेगा 40 रुपीस तो 4 पे खर्चा करेगा। तो यानी कि अब कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक और करते हैं कि हमने इस प्राइस को चेंज कर देते हैं, इनकम में चेंज नहीं करेंगे, ध्यान देना हम इनकम में चेंज नहीं करेंगे, ओनली प्राइस में चेंज करेंगे। चलो अब बोलता हूँ क्लास, जो मनी है वह तो सेम है लेकिन प्राइस एक्स का रेट पी एक्स वन इसको हम कर देते हैं क्लास 5 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया? 5 रुपीज़ हो गया। और पी वाई हमारा सेम है, तो इस केस में अब आपकी बजट लाइन कैसे बनेगी? तो क्वांटिटी एक्स वन लेने के लिए आप क्या करेंगे, कितना करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, एम अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा क्लास, 100/5 यानी कि 20, यानी कि अब आपकी बजट लाइंस BL शिफ्ट हो जाएगी 20 पे, मतलब इसको आप 20 पे ले जाएंगे, यानी कि इसका 2 गुना आप 20 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है, बजट लाइन को हमने 20x बना दिया। अब आप बताइए, जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर के सामने एक्स गुड्स सस्ता हो चुका है, वाई गुड्स एज एक्स के कंपेयर में कॉस्टली है। क्लियर है? तो हमने क्या किया क्लास, अब हम बोलते हैं कि चलो कंज्यूमर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, तो नो डाउट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान से मानो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदेगा। ठीक है, और इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं, अब ये इसको 6 परचेज कर रहा है, मान चलो वो इसको 6x परचेज कर रहा है, 6 कह सकते हैं, सॉरी, इसको अगर वो 12x परचेज कर रहा है, या 15 कर दो यार, ठीक है, अगर इसको 15x परचेज कर रहा है तो इसको कितना करेगा बताइए, क्योंकि अगर 15 का मतलब होता है 15×5=75, यानी कि 75 रुपीज़ इसने यहाँ पर खर्चा किया, कितना, 75 रुपीज़। तो क्वांटिटी एक्स वन पे कितना कर रहा है, 15×5 यानी कि 75 रुपीज़। बचा कितने पास उसके पास, 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ में 10 के हिसाब से 2.5, यानी कि इस पॉइंट पर कितना खर्चा करेगा, 2.5Y। बात समझ में आई? तो हम इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर आ गए, तो कोई बताएगा कि ये कौन सा इफेक्ट हुआ, प्लीज़ कौन सा इफेक्ट हुआ, एक क्लास IC1 से IC2 पे आ गया, तो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे आ गए, किस पर, E2 पे आ गए, तो ये तो प्राइस इफेक्ट हो गया आएगा। ओके, अब मैं बोलता हूँ क्लास, कंडीशन थोड़ा चेंज करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप जितना पहले परचेज कर रहे थे आप उतना ही परचेज कीजिए, मतलब जो क्वांटिटी आपने पहले चूज़ किया था आपको वही क्वांटिटी चूज़ किया है। पहले वो एक्स की कितनी क्वांटिटी चूज़ किया था, 4x, वाई की कितनी किया था, 6x। ओके, अब नए रेट पे अगर उसको ये परचेज करना हो, न्यू रेट पे अगर 4x परचेज करना हो तो कितना लेगा, तो अगर न्यू रेट पे, न्यू प्राइस पर, ठीक है, न्यू प्राइस पे अगर उसको सिर्फ 4x लेना है, सिर्फ 4x, तो 4×5 4×5=20 रुपये, कितना लेगा उसको, 20 रुपये चाहिए,
और इसको खरीदने के लिए 60 रुपये, कितना है 60 रुपये, तो 6 × 10 यानी कि 60, ठीक है। तो उसको कितना रुपये चाहिए, 80 रुपीज़। मतलब इस प्रीवियस पॉइंट पे खर्चा करने के लिए उसको 80 रुपीज़ में ही काम चल जाएगा। तो उसके पास इनकम कितनी आई, अगर उसको बोला जाए कि रेट डाउन होने के बाद भी आप जितना पहले परचेज़ कर रहे थे उतना ही परचेज करना है, उतने ही गुड्स को कंज्यूम करना है, तो उसका काम कितने में हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है उसके पास 100 रुपीज़ है, अगर नए रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4x 6y कितने मिल जाएगा उसको क्लास, सिर्फ 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। इट मीन्स आपके पास 20 रुपये क्या हुआ, बढ़ गया, 20 रुपये बढ़ गया। अब देखिए 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 20 रुपये हम उससे वापस ले लेते हैं। जब हम 20 रुपीज़ वापस लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 80 रुपीज़। अब हम 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग न्यू बजट लाइन बनाएंगे। अब हमारा हो गया एम इज्कवल टू 80, PX इज्कवल टू 5 और PY इज्कवल टू 10। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो हम निकालेंगे क्वांटिटी X इज्कवल टू 80/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 80/5 तो 8×5=40, नहीं नहीं 5×2=10, 5×5 कितना हो जाएगा, 16×5=80, 16 मतलब 16×5=80। और क्वांटिटी वाई कितना निकलेगा क्लास, 100/10 यानी कि 10, यानी कि अब क्या निकला, अब ये निकला कि इसका तो 10 ले सकता है और इसका सॉरी 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8, ओके। तो यानी कि अब हमारा जो न्यू बजट लाइन बन गई 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वो कितना बन गई, 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 16 और 8 बन गई, 16 और 8 बन गई। तो अगर हम नई बजट लाइन ड्रा करेंगे तो कैसे बनेगा क्लास, यहाँ पर 8 8y और यहाँ पर 16, क्या करेंगे 16x। तो आप क्या करेंगे, जब हम इस बजट लाइन को ड्रा करेंगे ओके, तो आपकी एक न्यू बजट लाइन बन गई, BL से BL1 हो गई थी, इसको हम HT बनाते हैं, HT। सो यू हैव टू बजट लाइन, एक बजट लाइन आपकी 80 रुपये की बन गई है जिसमें से ये आ गया, और इसका स्लोप कैसे निकलेगा निकाल सकते हैं आप, और एक बजट लाइन आपकी मैक्सिमम 10 क्वांटिटी की थी। तो यानी कि सामने आपके सामने तीन बजट लाइन आ गए क्लास। बताइए एक बजट लाइन है, ये बजट लाइन है, ये कितने की है, ठीक है, BL बजट लाइन कितने की है, BL बजट लाइन 100 रुपये की है, ठीक है। और ये BL1, ठीक है, BL1 ये भी 100 रुपये की बजट लाइन है, लेकिन इस केस में प्राइस चेंज हुआ है, जब प्राइस X का रेट 5 रुपये हो गया है, इसमें प्राइस X का रेट 10 रुपये था, प्राइस Y का रेट 10 रुपये था और ये प्राइस Y भी 10 रुपये था, बात समझिए। तो हमारी दूसरी बजट लाइन है 5 रुपये वाली जो कि 20 पे ले गई, दो बजट लाइन मिल गई। अब हमारी तीसरी बजट लाइन बनाई है हमने HT, हमारी एक और बजट लाइन बनी, और ये बजट लाइन बन गई कितने रुपीज़ की, 80 रुपीज़ की, 80 की। तो 80 में ये प्राइस X कितना है, 5 रुपीज़ है, प्राइस Y 10 रुपीज़ है, यानी कि हमारे सामने तीन सिचुएशन है। देखो जब आप इस पॉइंट से ई से ईवन पे आएंगे, यानी कि हमने इसको ई से ईवन बनाया है, तो कौन सा इफेक्ट हुआ, प्राइस इफेक्ट, ध्यान समझना, प्राइस इफेक्ट हो गया ई
नॉट टू ई टू, ओके। लेकिन एक और पॉइंट हमें मिला है, वो ये पॉइंट है जहाँ पर ये बजट लाइन इसको टच कर रही है, न्यू बजट लाइन जहाँ टच कर रही है वो हमने इसको ई वन बना दिया। और इस केस में अब कंज्यूमर क्या कर रहा है देखेंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो हमने लिखा इसको सिक्स के हो सकता है, ये फाइव मान के चलो फाइव वाई है। जब इसको फाइव परचेज कर रहा है तो इसको कितना परचेज करेगा, पाँच धम पचास, और इस पर तो पचास रुपये में पाँच कितना खरीद सकता है, दस। तो ये आपका दस आ जाएगा, क्वांटिटी हमारी गलत हो गई लिखने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं तो प्राइस इफेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं, दो पॉइंट है, लेकिन ध्यान ना ये जो पॉइंट है ई नॉट, ये हंड्रेड रुपीज़ का पॉइंट है, यानी कि ये ई नॉट हंड्रेड रुपीज़ का इक्विलिब्रियम है और ई वन कितना है, एट्टी रुपीज़ का इक्विलिब्रियम है। ई टू सॉरी ई वन 80 रुपीज़ का इक्विलिब्रियम है। तो जब 80 रुपीज़ में देने के बाद उसको भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब उसके पास 100 रुपीज़ था तो 6 और 4x खरीद रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अब उसने क्या किया, y को 3 कर दिया तो इसको इन्होंने ज़्यादा बढ़ा लिया, y को 3 कर दिया तो इसको इसने ज़्यादा बढ़ा लिया। तो 3 × 30 और 8 × 5 = 40, तो ये 5 = 40 रुपये, अगर 3 × 30 तो 80 रुपीज़, ठीक है। मुझे ये बताना था आपको कि ये 80 रुपीज़ होने पर ये कितना खर्च कर रहा है, अगर तो 80 रुपीज़ है, 80 को आप सॉरी कितना है 3 × 10, 30 रुपीज़ खर्चा करेगा y पे, तो रेस्ट कितना बचेगा, 80 − 30 = 50, यानी कि 50 रुपये बचेगा। 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 10 लेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा क्लास, ठीक है। तो मेरा सेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताने का ये था कि जब कन्फ्यूज नहीं हो क्लास, जब आपकी इनकम 100 रुपये थी, ओके, प्राइस एक्स और था प्राइस वाई था, तब तो कंज्यूमर जो है ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, ई नॉट पे। जब मार्केट में रेट गिर गया, जब मार्केट में रेट गिर गया पी एक्स फाइव हो गया, तो कंज्यूमर जो है शिफ्ट होकर के ई टू पे आ गया। लेकिन मैंने बोला कि कंज्यूमर पिछला ही खरीदेगा जितना खरीद रहा था, तो हमने क्या किया, उससे हमने कंपनसेशन कर दिया, उससे हमने 20 रुपीज़ वापस ले लिए। क्यों ले लिया, क्योंकि मैंने बोला कि आपको प्रीवियस क्वांटिटी ही खरीदना है, अगर प्रीवियस क्वांटिटी न्यू रेट पे खरीदेगा तो उसे सिर्फ 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि 80 रुपीज़ ही उसके पास रखा, 20 रुपीज़ मैंने वापस ले लिया। जब मैंने 20 रुपीज़ उसे वापस ले लिया तो उसके पास 80 रुपीज़ बचा। अब 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसका बिहेव मैंने फाइंड किया तो 16 और 8 मिला, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक नई बजट लाइन मिल गई, और इस बजट लाइन पर प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व जो है ई से ईवन पे टच कर रहा है। तो चाहे ई पे परचेज करे चाहे ईवन पे परे, सेटिस्फेक्शन बिल भी सेम होगी, ये आपको बताए थे। तो इसका मतलब हुआ कि इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर है, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन और यहाँ पर हाई सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो कंज्यूमर जब ई से ई टू पर जाएगा तो ये प्राइस इफेक्ट कहलाएगा, लेकिन कंज्यूमर जब ई टू से ई वन पर आएगा तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा क्लास, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं समरी थ्योरी टाइप बता देता हूँ। मुझे यहाँ को बताना ये है कि जब प्राइस पहले BL था तो कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, जब प्राइस घट गया तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट हुआ, ठीक है, प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि प्राइस की वजह से यहाँ आ गया।
जब उसका प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर यहाँ गया, लेकिन हमने उसको प्राइस को वापस ले लिया, बढ़े हुए अमाउंट को हमने वापस ले लिया, तो हमने क्या किया, इस 20 रुपीज़ को हमने वापस ले लिया, तो उसके पास ये 100 की लाइन ना हो करके अब हमने 80 रुपीज़ की लाइन बनाया। जब 80 रुपीज़ के बजट लाइन बनाया तो प्रीवियस इनडिफरेंस कर्व को वो E1 पर टच किया, तो इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ सस्ता हो गया था उसको उसने, जो महंगा उसको कम कर दिया, जो सस्ता था उसने उसको ज़्यादा कर लिया। तो यानी कि सस्ते की जगह पे महंगे की जगह पे सस्ते को सब्स्टिट्यूट करना, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर हम इस बंदे को पैसा वापस दे दें 20 रुपये, तो वो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है इनकम इफेक्ट कहलाएगा, यहाँ से लेकर के पूरा इनकम इफेक्ट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दो आमने सामने पैरेलल लाइन होने से इनकम इफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना प्राइस इफेक्ट होगा। सो ऐसे कह सकते क्लास, अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो प्राइस इफेक्ट, और ई से ईवन को मिला दें तो इनकम इफेक्ट, और ई से इसको मिलाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो टोटल जो प्राइस इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन और इनकम में डिवाइड है। तो ये न्यूमेरिकल भी था, बताना था आपको। न्यूमेरिकल बताने का तात्पर्य यहाँ पर ये था, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब इनकम 100 रुपीज़ है, प्राइस एक्स वाई है, तो कंज्यूमर कहाँ था। जब हमने प्राइस को कम कर दिया तो कंज्यूमर कहाँ गया, उस बढ़े हुए प्राइस पर हमने प्रीवियस क्वांटिटी को बाध्य किया कि वही लेना है, तो हमने 20 रुपीज़ इसे वापस ले लिया। 20 रुपीज़ आशा से ही हमारे पास 80 रुपीज़ की बजट लाइन बन गई। तो ये 80 की बजट लाइन हो गई, ये 100 की बजट लाइन हो गई, और यह भी 100 की बजट लाइन हो गई। तीन बजट लाइन बन गई आपकी, लेकिन ये दो बजट लाइन 100 की है, इनका स्लोप सेम है और इसका स्लोप डिफरेंट है। तो इस पॉइंट पर प्रीवियस था, आफ्टर प्राइस, आफ्टर कंपनसेशन प्राइस, सो तीन हमें पॉइंट मिलते हैं, और तीनों को हम 1 by 1 दिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल, तब तो इनकम इफेक्ट होगा, और जब ये मोमेंट वाइज लाइन है, दोनों बजट लाइन है, सेम 100 रुपीज़ की है, तो ये हो जाता है आपका प्राइस इफेक्ट। और एक 100 रुपीज़ पर जो परचेज कर रहा था, और जब रेट डाउन होने के बाद 80 रुपीज़ पे जो परचेस कर रहा है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि वो महंगे रेट से सस्ते वाले पे सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पर उसकी रियल इनकम नहीं चेंज हो रही है, नॉमिनल इनकम चेंज हो रही है, 20 रुपये उसके पास बढ़ जा रहा है। अगर 20 रुपीज़ देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा इजी तो शायद कोई नहीं समझा पाएगा, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया होगा तो क्लास, सो प्लीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो आगे चलें, अदरवाइज बता देना, मैं दोबारा से रिवीजन कराऊंगा। फिलहाल पहले आप इसके नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। क्लास, आज के इस हमारे